मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज डे 24 है 75 हार चैलेंज का। तो आज ये मॉर्निंग में मैं उठ के ब्रश कर लिया है और टीवी ऑन है लेकिन म्यूट है, और दीदी आ गई हैं, अपना काम कर रही हैं। मैं अपना डिटॉक्स बनाऊंगी, डिटॉक्स बना लिया एक्चुअली, थोड़ा सा ही बनाया है, एक कप ही होगा मुझे मेरे लिए अभी। और वरुण नहीं है, अकेले के लिए ही, और दीदी के लिए चाय बना दूंगी बस। और मेरे स्किन में काफ़ी सारे, थोड़े से आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन रैसेस स्टार्ट हो गए हैं काफ़ी सारा। और मुझे डाउट है कि शायद मैं कीवी के लिए होगा, क्योंकि पहले भी एक बार हुआ था जब मैंने कीवी खाया था, तो मुझे लग रहा है कि कीवी के लिए होगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। अगर आज और एक है तो अगर उसके बाद भी हो रहा है तो मैं कीवी खाना बंद कर दूँगी। और कुछ नहीं, जाती हूँ चाय भी बना देती हूँ, मेरा डिटॉक्स है, थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ। सुबह सुबह आज बना दिया था उठ के ही, और वॉशरूम में जाके आई लेट में ही, तो इसीलिए मैंने पिया नहीं था। और अभी जाती हूँ, थोड़ा गर्म करके ले आती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है, और आज मैं ज़्यादा वार्म अप नहीं किया है, पहले कर लिया था 5 मिनट कर लिया था, और मैंने डायरेक्ट ही इसलिए आप लोगों को दिखा दिया है। आजकल मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि एक्सरसाइज में इतना मैं लंबा ना दिखाऊँ, सब चीज़ें दिखाऊँ, लेकिन थोड़ा 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 करके, तो थोड़ा सा स्पीड भी कर देती हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा अलग लगता है। और ये जंपिंग जेट आज मैं सोच रही थी कि जंपिंग जेट ज़्यादा करूं, लेकिन किया था मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया था। और ये भी पूरा फुल बॉडी आपको, मतलब हो जंपिंग जेट जैसे लगता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है। और मेरा लेकिन सेम डे ही रात को थोड़ा सा मेरा लेग पेन हुआ था, मतलब मेरा टो पेन हुआ था, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अभी जंपिंग जेट थोड़ा कुछ दिन के लिए मैं कम कर दूँ, क्योंकि हेवी वेट में क्या होता है ना, आप जितना ज़्यादा करते हो ना जंपिंग जेट, तो उतना थोड़ा सा आपके पैरों पे वो असर ज़्यादा डलता है, क्योंकि पूरा आपका बॉडी का वेट वही संभालता है आपका पैर, तो थोड़ा सा इसलिए दर्द किया था मुझे। तो सूर्य नमस्कार मैंने किया था काफ़ी टाइम, और जंपिंग जेट भी किया था, लेकिन सूर्य नमस्कार बहुत मैं आजकल रेगुलर करने की कोशिश कर रही हूँ। रेगुलर नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 3 दिन 4 दिन तो मैं ज़रूर करूँ सूर्य नमस्कार, और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये बहुत स्लोली करती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसीलिए। और मार्क कर रही हूँ थोड़ा सा, मैं अपने डाइट पे भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अभी डाइट पे चेंज करना पड़ेगा, मतलब वर्कआउट से पहले कुछ ना कुछ मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि खाली पेट करती हूँ ना फ्रेंड्स पूरा, तो मतलब आधे घंटे एक घंटे पहले भी अगर कोई फ्रूट ले लिया मैंने तो ठीक है, मैं नहीं लेती हूँ अभी तक, लेकिन लेना स्टार्ट करूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत वीक लग रहा है। और मैंने काफ़ी टाइम सूर्य नमस्कार किया था उस दिन, तो बस क्योंकि ये वॉइस ओवर जब कर रही हूँ, ये 3 दिन हो चुका है मेरा ऑलरेडी, तो सारा मैं 3 दिन, क्योंकि बैक में चलती हूँ तो 3 दिन 4 दिन मेरा बैक में है तो वीडियो, तो इसीलिए ही, इसी वजह से ही मेरा थोड़ा सा, मतलब आज वॉइस ओवर दे रही हूँ तो 3 दिन पहले का है ये। और फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे वीडियोस देख के, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक एक कमेंट कर देंगे तो मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा, और एक लाइक कर दोगे तो मुझे और भी ज़्यादा पुश मिलेगा कि मैं और अच्छे से इसको कर पाऊँगी। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया लाने की, मतलब अपने एक्सरसाइज रूटीन हो गया या फिर
अपने में भी, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मेरे पास ज़्यादा कोई मतलब ऐसे ऑप्शन नहीं रहते कि मैं डेली बाहर जाऊँ, बाहर शूट कर पाऊँ, तो इसलिए घर का ही करती हूँ। तो और मैं जो चैलेंज लिया है तो इसमें तो मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ ज़्यादा, जब जाती हूँ तो मैं तो दिखा देती हूँ, लेकिन जब जाती नहीं हूँ तो नहीं दिखा पाती इसीलिए। और होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। ये पूरा मतलब टॉवल पूरा गीला हो गया है। और फ्रेंड्स मैंने 50 मिनट्स किया है आज, इतनी मतलब इतना गर्मी लग रहा है ना, क्या करूं। सुबह से सोचती हूँ कि एक घंटा मिनिमम करूँगी करके, बट लेकिन नहीं किया जा सकता, बहुत गर्मी यहाँ पे एक्चुअली। मतलब डे टाइम में जैसे दिन में 2-3 बजे तक 44 डिग्री रह रहा है, कल भी 44 था, आज भी 44 होगा, अभी से ही 40-41 स्टार्ट हो गया है, तो इतनी गर्मी में मेरे से किया भी नहीं जाता इतना, और बॉडी थक जाता है। थोड़ा पानी पी लेती हूँ। आप इतना थक जाते हो, आपका बॉडी इतना थक जाता है कि आपको वोल्टेज ऑफ डाउन हो रहा है, कि आपको और कुछ दिमाग में आता ही नहीं। आज मैं तो आधा एक्सरसाइज अपना भूल ही गई हूँ, मतलब रिपीट किया है मैंने, मतलब आज सबका मैंने 100-110 ऐसे किया है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। सूर्य नमस्कार मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, 20-22 किया है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं कर पाई, और बाकी सब लेकिन मैंने 100 पार किया ही है, 100 से ज़्यादा ही किया है सब चीज़ों में। और कोई नहीं, 50 मिनट्स भी काफ़ी है, 45 मिनट्स करना चाहिए, मैं तो 50 मिनट्स कर रही हूँ, और चलना लेकिन वॉक करना मैं 1 घंटा कर लेती हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो जाता है तो उसमें मैनेज हो जाता है। इतनी गर्मी में सुबह एक्सरसाइज, शाम को फिर स्ट्रीट वॉक करना होता है, फिर दिन में भी आपका काफ़ी सारा काम रहता है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, करना है। और मेरा 1.5 महीना है, और 1.5 महीना और करना है मुझे, अभी तो 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझसे पानी भी पिया नहीं जा रहा है, और मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ और नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, भूख भी बहुत लगी है, तो मिलती हूँ नाश्ते के टाइम में, बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी फ्रेश भी हो गई हूँ, काफ़ी टाइम पहले ही हो गई थी, और नाश्ता भी मेरा तैयार है, फ्रूट्स काट के ले आई हूँ, एक एप्पल है, एक कीवी है, तो ये मेरा बेस्ट बेस्ट ब्रेकफास्ट है। और वैसे ना फ्रेंड्स मुझे कीवी मुझे सूट नहीं करता, थोड़ा थोड़ा रेसेस हो जाते हैं, लेकिन मुझे पसंद बहुत है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लास्ट टाइम मैं लेके आई थी बहुत खट्टा खट्टा था, इस बार लेकिन बहुत मीठा है,
और एप्पल भी है। वैसे तो फ्रूट्स हैं काफ़ी सारे, मैंगो ज़्यादा है तो मैं मैंगो ज़्यादा नहीं खा पा रही हूँ। अभी के लिए मैं खाना वाना बना देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से लंच के टाइम में। टिल देन बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गर्मी गर्मी, इतना गर्मी तो मेरा लंच रेडी। यहाँ पे ये फिश करी है और यहाँ पे राइस है, बस ये दही माछ है, आप सुने होंगे। और अच्छा लगता है दही डाल के आप फिश बना रहे हो ना, बहुत टेस्ट लगता है, यम्मी चटपटा सा उसका टेस्ट होता है। तो मैं बहुत दिनों के बाद वैसे फिश खा रही हूँ, मतलब एक महीना हो गया है, एक महीने से ज़्यादा हो गया है हमने फिश नहीं खाया था। वरुण ज़्यादा प्रीफर करते हैं फिश फ्राई, उनको ज़्यादा पसंद है, और दही माछ ये जो है दही वाला फिश ये भी उनको बहुत पसंद है। तो मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ आज, लेकिन क्या करें, मैं तो खा लूँगी। और ये मम्मी ने भेजा था मछली, मैंने आज उसका करी बना लिया और बस यही है आज का लंच। तो मैं ये लंच ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से अपने इवनिंग के ड्रिंक के टाइम में। तो तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, और सो गई थी, उठी और गुड़िया से बात कर रही थी, तो बात करते करते काफ़ी लेट हो गया अभी। और ये मेरा डिटॉक्स है, और ये डिटॉक्स में मैंने लिया है आज ये जिंजर वाला टी है, और थोड़ा सा इसमें गुड़ डाल दिया है, गुड़ डाला है ताकि पिया जाएगा, नहीं तो तीखा लगेगा और पिया नहीं जाएगा फिर। और खाली जिंजर को मैंने उबाल दिया था, और थोड़ा सा गुड़ और नींबू दिया है, और ज़्यादा कुछ नहीं दिया। मैं सो गई थी आज, इतना सोई हूँ मैं रोज़ आजकल ना, सो जाती हूँ दिन में, मुझे पता नहीं चलता कि ये सुबह का टाइम है या रात का टाइम है। मेरे आँखें आप देख सकते हो कितना कितना फूल गया है, पूरा स्वेलिंग हो गया है, और डार्क सर्कल भी बढ़ गया है अभी, तो इसके ऊपर भी थोड़ा काम करना है। अभी जाऊँगी छत पर, थोड़ा सा वर्क करूँगी एक घंटा, और उसके बाद आऊँगी। आज का जो वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ उसका कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक, आज भूल गई हूँ एक्चुअली शूट करना नहीं भूली, लेकिन एडिट करना मैं आज भूल गई हूँ। और यहाँ पे रखती हूँ इसको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है पता है, जो विक्स का चॉकलेट होता है ना, विक्स का जो कैंडी होता है ना जिंजर वाला, बिल्कुल ये उसी का टेस्ट है। बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। कोई नहीं, एक एक दिन थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। कल फिर से मैं डिटॉक्स बनाऊंगी तो डिटॉक्स पी लूंगी, और आज थोड़ा सा ऑयलिंग करूंगी बालों में, बाल बहुत ड्राई हो गए हैं। कल मैंने वॉश किया था, आज तो नहीं किया, कल किया था वॉश, तो उसके बाद कोई ऑयलिंग नहीं किया है, अभी ऑयलिंग कर दूंगी। और अभी छत पे भी जाना है फ्रेंड्स, तो छत पे जाऊंगी, वॉक करके आऊंगी, फिर उसके बाद आप लोगों से डिनर के टाइम में मिलती हूँ। अभी मैं इसको पी लेती हूँ काढ़ा जैसे, पूरा मेरा काढ़ा फिर भी टेस्टी रहता है, ये तो टॉफी टॉफी लग रहा है, विक्स का जैसे टॉफी लगता है ना, मैं लेने से ही तीखा लगता है, तो ये बिल्कुल वैसे लग रहा है। तो इसको ख़त्म कर देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से डिनर के टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बस एडिटिंग ख़त्म हुआ, आज जो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, काफ़ी लेट हो गया है आज, और करंट नहीं है, बहुत टाइम से अप डाउन चल रहा है, क्योंकि आज बारिश हो रहा है यहाँ पे फाइनली। इतनी गर्मी, इतना ज़्यादा बारिश भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बारिश हुआ है, हवा बहुत चली तेज से, तो इसीलिए फिर करंट गया है। अभी आया था फिर से चला गया, तो सोचा कि नहीं अभी इसी टाइम में ही मैं डिनर भी अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आजकल तो मैं फटाफट से सो जाती हूँ, चाहे मोबाइल भी अपना पकड़ूँ ना फिर भी मुझे नींद आ जाता है बहुत जल्दी। और आज छत पे भी मैंने पूरा एक घंटा वर्क किया है, एक घंटा इनफ है वर्क करने के लिए। तो मैं देख रही हूँ अगर एक घंटा मैंने वर्क किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, रात को भी नींद अच्छी आ रही है, क्योंकि आपका बॉडी वैसे भी थक जाता है, गर्म है काफ़ी, थोड़ी देर रख देते हैं इसको, फिर पियेंगे इसको, और गर्म नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, मैं जितना पीती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा ल्यूकॉम पसंद है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा गर्म है, और पी लेंगे क्योंकि आज सब कुछ बहुत जल्दी जमना स्टार्ट हो गया है। और अभी करंट आ गया है, और
ज़्यादा लेट भी नहीं करते हैं, इसको पी लेती हूँ क्योंकि वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद सोना है। मेरे स्किन में थोड़ा सा आप देख सकते हो ये जो मतलब निशान हो रहे हैं ना, ये मैं अपने आप पता नहीं स्किन में थोड़ा सा एलर्जी जैसे हो रहा है, पता नहीं, नहीं पता है मुझे। और मेरा बैटरी भी लो है तो पता है मुझे, मतलब मुझे कीवी से थोड़ा सा एलर्जी है और कीवी खा रही हूँ तो थोड़ा सा एलर्जी तो होगा ही। और फ्रेंड्स, आज हम लोगों का 24th डे आज ख़त्म हो गया, तो कल हम लोगों का 25 दिन स्टार्ट हो जाएगा। 25th नंबर डे स्टार्ट हो जाएगा 75 आवर चैलेंज का, जो कि बहुत अच्छी बात है कि देखते ही देखते एक महीने के आसपास हो गया है, एक महीना अभी कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ही दिन बाकी रहा है और बहुत अच्छे से हम लोग इसको फिनिश करेंगे। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि बहुत मैं इसके लिए ना इतना डेडिकेशन चाहिए और मैं डेडिकेटेड हूँ करके मैं इतना कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं जितना फ्रिकल हूँ ना एक चीज़ में, मुझे कॉन्स्टेंट रहना और उस चीज़ में कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और आज का ब्लॉग भी हम लोग ज़्यादा और लंबा नहीं खींचेंगे, इसको यहीं पे एंड करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए और प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सब्सक्राइब कर दो यार, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, यूट्यूब के लिए मेहनत कर रही हूँ, वीडियोस बनाने के लिए मेहनत कर रही हूँ और थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिल जाएगा मुझे। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक कर दो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लग रहा है तो, कि मुझे और ज़्यादा पोस्ट मिलेगी। और इंस्टाग्राम में मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम का ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और अगर आप लोगों का कुछ क्वेरीज है, कुछ सजेशन है, आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल ID भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आज का ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूंगी और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो, अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।